दोस्तों आज के इस वीडियो में हम Realme C3 और Redmi 8 के बीच में डिटेल कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि दोस्तों इन दोनों फोन का जो प्राइस है लगभग आपको सेम देखने को मिलेगा और फीचर भी दोस्तों दोनों फोन में आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। ऐसे में यहाँ पे काफ़ी लोग कन्फ्यूज होंगे कि इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेस्ट रहेगा, किस फोन को बाय करना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन दोनों फोन के बीच में हम डिटेल कंपैरिजन करेंगे और बताएंगे कि इन दोनों फोन में से कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट रहेगा, किस फोन में अच्छा कैमरा मिलेगा और कौन से फोन में अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, मतलब कि दोस्तों कौन सा फोन आपके लिए ओवरऑल बेस्ट रहेगा, इस हम वीडियो में बात करेंगे। तो इसके लिए आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इन दोनों फोन के डिजाइन और डिस्प्ले के बारे में। तो दोस्तों इन दोनों फोन का डिजाइन आपको बैक साइड में काफी अच्छा मिलेगा, हालांकि दोनों फोन के बैक साइड में आपको पॉलीकार्बोनेट की बॉडी दी गई है, लेकिन दोस्तों देखने में दोनों ही फोन काफी अच्छे लगेंगे। दोस्तों रेडमी 8 में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, वहीं आपको रियलमी C3 में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा। अगर सामने की तरफ बात करते हैं तो दोनों ही फोन में आपको ड्यू ड्रॉप की नोच दी गई है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो रियलमी C3 में आपको काफी बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो की 6.52 इंच की HD+ डिस्प्ले दी गई है। इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला 3 की प्रोटेक्शन भी दी गई है। वहीं अगर बात करते हैं Redmi 8 में तो इसमें आपको दोस्तों 6.22 इंच की HD+ इसमें भी आपको डिस्प्ले दी गई है, लेकिन इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों फोन का जो डिस्प्ले आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। हालांकि डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात करें तो Redmi 8 यहां पे काफी आगे रहेगा, क्योंकि इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 दिया गया है। तो दोस्तों यहां पे डिजाइन और डिस्प्ले में दोनों ही फोन यहां पे काफी अच्छे रहेंगे, दोनों ही फोन देखने में भी काफी अच्छे लगेंगे। लेकिन दोस्तों जो Realme C3 है इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा, तो एक बड़ी कमी यहां पे कह सकते हैं Realme C3 में। अगर बात करते हैं इन दोनों फोन के कैमरा के बारे में तो दोनों फोन में आपको बैक साइड में डुअल कैमरा दिया गया है और दोनों ही फोन में आपको सेम कैमरा सेटअप भी देखने को मिलेगा, जैसे कि 12+2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा दिया गया है दोनों फोन में। और दोनों फोन का जो प्राइमरी कैमरा है उसका अपर्चर 1.8 रहेगा और सेकंड कैमरा रहेगा दोनों फोन का 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए। तो दोस्तों बैक कैमरा में दोनों ही फोन यहाँ पे काफी अच्छे हैं, दोनों फोन में आपको बैक कैमरा में काफी अच्छा फीचर देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों रियलमी C3 में आपको स्लो मोशन का ऑप्शन मिलेगा, जो कि रेडमी 8 में देखने को नहीं मिलेगा, तो एक अलग फीचर आपको कह सकते हैं कि रियलमी C3 में देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर सेल्फी कैमरा की बात करें तो Redmi 8 में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जिसका अपर्चर 2.0 रहेगा। वहीं अगर बात करते हैं Realme C3 में तो इसमें आपको सिर्फ 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और दोस्तों इसका जो अपर्चर रहेगा वो आपको f2.4 रहेगा, यानी कह सकते हैं कि लो लाइट में आपको अच्छी पिक्चर देखने को नहीं मिलेगी Realme C3 में। तो कह सकते हैं कि सेल्फी कैमरा में यहां पे बिल्कुल बेस्ट रहेगा Redmi का 8। अब बात करते हैं इन दोनों फोन के प्रोसेसर के बारे में। तो Redmi 8 में आपको Qualcomm का Snapdragon 439 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि दोस्तों परफॉर्मेंस के लिए ठीक ठाक ये प्रोसेसर रहने वाला है। वहीं अगर बात करते हैं Realme C3 में तो इसमें आपको MediaTek का Helio G70 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि दोस्तों एक गेमिंग के हिसाब से प्रोसेसर काफी अच्छा रहेगा। इस फोन में आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगा वो भी दोस्तों काफी अच्छा रहेगा, तो कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस के हिसाब से और गेमिंग के हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल बेस्ट रहेगा Realme C3। बात करें रेम और स्टोरेज के बारे में तो Realme C3 इंडिया में 2 वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, जो कि पहला इसमें आपको 3 GB की रेम 32 GB की स्टोरेज दी गई है, सेकंड जो है इसमें आपको 4 GB रेम के साथ में 64 GB की स्टोरेज मिलेगी। दोस्तों इसमें आपको 2 SIM एक मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन भी दिया गया है। वहीं अगर बात करते हैं Redmi 8 में तो दोस्तों इसमें आपको 4 GB का रैम मिलेगा, इसके साथ में आपको 64 GB की स्टोरेज मिलेगी। हालांकि दोस्तों इसके पहले यहाँ पे 3 GB का भी रैम वेरिएंट लॉन्च हुआ था, लेकिन फिलहाल में मिल नहीं रहा है। और दोस्तों इसमें भी आपको 2 SIM एक मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो दोनों ही फोन एंड्रॉइड 10 के साथ में आएंगे। अगर बैटरी की बात करते हैं तो दोस्तों दोनों फोन में आपको काफी बड़ी बैटरी दी गई है, जो कि दोनों फोन में आपको 5000mAh की बैटरी दी गई है। लेकिन दोस्तों यहां पे Realme C3 में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं दिया गया है और ना ही आपको टाइप सी का सपोर्ट दिया गया है, जबकि Redmi 8 में आपको 18W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दी गई है, इसके साथ में इसमें आपको टाइप सी का भी सपोर्ट दिया गया है। तो दोस्तों दोनों फोन में आपको बैटरी काफी अच्छा मिल रहा है। अब बात करते हैं दोनों फोन के अदर फीचर के बारे में। तो दोनों ही फोन में आपको फेस अनलॉक का सपोर्ट दिया गया है, दोनों ही फोन में आपको 3.5mm का जैक, OTG डुअल 4G वोल्टी का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों Redmi 8 में आपको IR ब्लास्टर का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छा फीचर है, काफी लोग इस फीचर को पसंद करते हैं। बाकी दोस्तों कह सकते हैं कि फीचर वाइज दोनों ही फोन काफी अच्छे हैं, दोनों फोन में आपको बहुत सारे अच्छे फीचर दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों Realme C3 में आपको एक काफी अच्छा फीचर मिलेगा, जैसे कि इस फोन से आप दूसरे फोन को चार्ज कर सकते हैं। जी दोस्तों इस फोन में आपको रिवर्स चार्जिंग की सपोर्ट दी गई है, तो कह सकते हैं कि ये फोन आपको पावर बैंक की तरफ ही काम देगा। दोस्तों बात करते हैं दोनों फोन के प्राइस के बारे में। तो Realme C3 का जो पहला वेरिएंट है ये लॉन्च हुआ है 6999 रुपए में और जो अगला वेरिएंट है लॉन्च हुआ है 7999 रुपए में। वहीं दोस्तों बात करते हैं Redmi 8 का, तो फिलहाल अभी आपको एक वेरिएंट इंडिया में देखने को मिल रहा है, जिसका प्राइस है 7999 रुपया। तो दोस्तों इन दोनों फोन का जो प्राइस है काफी अच्छा रखा है दोनों कंपनी ने। लेकिन अब मेन बात करते हैं इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेस्ट रहेगा, किस फोन को बाय करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों ही फोन काफी अच्छे हैं, दोनों फोन में आपको काफी सारे अच्छे फीचर देखने को मिलेंगे। लेकिन
दोस्तों यहाँ पे Realme C3 में कुछ कमियाँ हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा, इसमें जो आपको सेल्फी कैमरा मिल रहा है वो भी आपको उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे तीन ऐसे रीजन है जिसके चलते आप Realme C3 को बाय कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आपको एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी बड़ी रहेगी। इसके साथ में जो आपको प्रोसेसर मिलेगा दोस्तों वो भी आपको काफ़ी बेटर मिलेगा। और दोस्तों इसका जो तीसरा रीजन है वो है आपको रिवर्स चार्जिंग टेक्नोलॉजी। जी दोस्तों, अगर आपको ये तीनों रीजन पसंद है तो आप आराम से Realme C3 को बाय कर सकते हैं, काफ़ी फ़ोन अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन अगर आपको Redmi का ब्रांड चाहिए, साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर चाहिए, अच्छा सा सेल्फी कैमरा चाहिए और डिस्प्ले में Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन चाहिए, साथ में आपको 18 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट चाहिए, इसके साथ में आपको टाइप सी चाहिए, तो दोस्तों आपके लिए Redmi का जो 8 है काफ़ी बेटर रहेगा। आप आराम से इस फोन को ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। वैसे दोस्तों आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फोन अच्छा लगा, आप इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बाय करेंगे आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।